ये बच्ची ना, ये वाली बच्ची मेरे व्लॉग देखती है। यूट्यूब पे देखती है मुझे, व्लॉग देखती है ना। शौक में जा रही है, हैरान हो गई है कि वही बंदा है जो मैं यूट्यूब पर देखती हूं। हमारे दो लगे हैं, अब खाना की पकड़ लगा। मामा छोले वाले चावल, छोले वाले, छोले वाले, छोले रेड वाइट छोले, छोले पंजाबी में छोले वाले चावल डल गए हैं। छोले तो नहीं, पानी निकालने के बाद में डालेंगे यही पानी जी। इसमें सारा चनों का टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आ गए हो, ये क्या लाए हो? गिफ्ट। ये कैसा गिफ्ट है? ओए आपके पास नहीं, दिखाना। गिफ्ट लाए, इसमें क्या है? अब माशाल्लाह तो जी हमारे चावल शावल पक गए हैं, चने वाले चावल, बड़ी प्यारी लुक आ रही है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मीरा नासिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खट्टे मीठे व्लॉग्स एंड वेलकम टू द अनदर डे। तंग कर रहा आसिफ, वेलकम टू द अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। यार व्लॉग स्टार्ट करते तंग करना शुरू हो जाता है ये, क्योंकि व्लॉग स्टार्ट हो गया अपनी बोंगे छोड़ते पीछे से। तो यार कैसे हैं सब लोग, ठीक ठाक हैं यार? अच्छा मुझे ना कमेंट्स भी आ रहे थे, और वैसे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ करते हैं वो दोस्त वगैरह कजन जो मेरे देखते हैं व्लॉग्स वगैरह, कि यार आप व्लॉग डेली नहीं आप अपलोड कर रहे, मतलब रूटीन से। यार दरअसल मसला ये है कि ना नेट का इशू है यहाँ पे ना, वैसे पैकेज अच्छा होता है मेरा। चल झूठा, दरअसल हमने ना अभी वाईफाई नहीं लगवाया हुआ, तो जैसे ही वाईफाई लग जाएगा फिर तो दौड़ा दौड़ी अपलोड हुआ करेगा। अच्छा, तो अब मुझे पूरा दिन अपलोडिंग में लग जाता है, पूरा एक दिन अपलोड करते सुबह करते हैं तो शाम को जाके कभी होता है कभी होता ही नहीं, और कभी दो दिन लग जाते। एक तो मैंने व्लॉग अपलोड किया है जो आपने देखा होगा खत्म बुखारी वाला, जाम यार में खत्म बुखारी थी वो अपलोड पे, यार मुझे पूरे दो दिन लगे थे अपलोड करने में। तो यार ऐसे ही टाइम लग रहा है, दरअसल अभी तो कुछ देर तक ना वाईफाई लग जाएगा, तो इंशाल्लाह वाईफाई के बाद धड़ाधड़ अपलोड हुआ करेंगे व्लॉग ना। तो और आप सुनाएं, आप कैसे हैं? सब कुछ करिए, ये मेरा व्लॉग तीन चार दिन के बाद आ रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप सब कैसे हैं, खैरियत से हैं, तबीयत से ठीक है? अच्छा जैसे कि हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि पापा है नहीं, पापा गए हैं कराची, तो सारी घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। तो मैं अभी मतलब उठ गया, उठते सारे पहले आयशा को लेके आया था, और मैं आयशा को लेके आया, आयशा अंदर है चेंज वेंज कर रही है कपड़े, स्कूल से लेकर आया था। और आज हमने पढ़वानी है घर में अपने यासिन सूरतें, मतलब मेरे कजन्स वगैरह सब आ रही हैं और मोहल्लेदार ने होंगी जो सूरह यासिन वगैरह पढ़ेंगी। तो अभी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा तुम जाके पहले मुझे चावल शावल ला दो, क्योंकि हमारे घर पकने हैं चने वाले चावल शायद। और आज यासिन को भी छुट्टी होगी, आयशा को भी स्कूल से मैं ले आया, तो सबकी छुट्टी भी है। चलो आप पहले सबसे आपको मिलवा देता हूँ, और अभी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को दबाया करें, क्योंकि मुझे पता लगा है आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और कई लोगों को तो सब्सक्राइब का पता नहीं है कि यार होता है कैसे सब्सक्राइब। तो यार सब्सक्राइब ईजिली होता है जब वीडियो चल रही होती है ना, तो नीचे साइड पर बटन आता है सब्सक्राइब लिखा होता है, ब्लैक कलर में अक्सर होता है वो, वैसे रेड कहा जाता है लेकिन मैंने मोबाइल में देखा है वो ब्लैक कलर में होता है। तो आप उसको टच करें वो सब्सक्राइब्ड हो जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पर एक घंटी आ जाती है, मतलब बेल घंटी होती है ना, उसको आप टच करेंगे तो उसको आल करना पड़ता है, उसको आल कर दें, उससे ये होगा कि आप जैसे मेरा मतलब व्लॉग अपलोड होगा जिस टाइम मर्जी हो, छोड़े आप उसको कि 6 बजे हो रहा है, 8 बजे हो रहा है, 4 बजे, वो जब भी अपलोड होगा ना वो आपके पास नोटिफिकेशन उससे पहुंच जाया करेगा, फिर वो जैसे मर्जी आप बैठ के मेरा व्लॉग इन्जॉय कीजिएगा, ठीक है? समझ आ गया। चलो मैं पहले आपको आसिम और आयशा से मिलवा दूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं बाहर चावल लाने हैं कुछ मुझे, और नानों के घर जाना है, वहाँ पर जाके मामियों को और कजन वगैरह को मुझे कहना है कि भई घर में यासिन है, 1 बजे आपने यासिन पढ़ने आ जाना। और आयशा बीबी अभी कपड़े निकाल दी अपने, ये क्योंकि अभी स्कूल से आई, इसने चेंज करना है, ये चेंज करना है। अस्सलाम वालेकुम कर दें आप भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अख्तर भाई। गया तो यार आज छुट्टी गया था भाई, फिर थोड़ा सा काम करा, लाइट चली गई। अच्छा ठीक है, लाइट गई तो फिर तेरी मोजा लग गई है ना, मुझे पता था मैं का खर्च पाल पाऊंगा टाइम से चला जाऊंगा, वो इतने में लाइट गई तो उन्होंने छुट्टी दे दी। चलो जी ले, वहां लाइट चलेगी, आसिम की होगी छुट्टी, आसिम आ गया घर। चल भाई चावल ले जाना, आसिम बर्तन धोएगा आके, ठीक है ना? सारे खाना खा के जाएंगे तो आसिम बर्तन धोएगा, मेरे साथ काम करवाएगा, तो फिर आसिम कहीं बाहर जाएगा। आसिम अब गैप होने लगा, अभी गैप होने लगा, अब आसिम नहीं मिलता। क्यों? छुट्टी है, हाँ आज की छुट्टी हो गई, जाहिर बात है घर के काम ये करवाएगा मम्मी के साथ, बर्तन बर्तन यही दिलवाएगा यू। चल तू चेंज कर, मैं साथ आना तूने।
चलो यार हम जिसको चेंज वगैरह करके हम ना जाके चावल लेके आना खाली। हाँ, चावल लेके आना, बिरयानी मसाला वगैरह, चावल बिरयानी मसाले ये वो लेके आना हमने। तो चलो यार हम पहले जाके चावल और बिरयानी मसाला वगैरह ले। चाबी की तरह मोटरसाइकिल मेरी चाबी चुबी ले ली है और हम चलते हैं चावल लेने। जाने यार एक ही पेयर, ये टमाटर प्याज वगैरह पड़े हुए हैं यार। चलो चने वैसे मैं सुबह ले आया था, चने चुने वो मैंने उबाइल कर लिए, यहाँ देख सकते हो सीटी लगी हुई है कुकर, प्रेशर कुकर में ये चने उबाइल पहले हो गया, वो चावल और बिरयानी मसाला लाने वो मैं ले रहा हूँ। Few moments later. भाई जान हम आए थे शॉप पे, यहाँ से हमने लेने हैं चावल, भाई 3 किलो चावल दे रहे हैं 220 वाले और 2 बिरयानी पैकेट। ठीक है बिरयानी मसाला, ये कोरमा मसाला है, फिश मसाला नहीं लेना भाई, बिरयानी मसाला मांगे ये है बिरयानी मसाला, आगे था फिश मसाला। तो यार हमने सामान ले लिया, वो हमने रखा है दुकान पे, उस तरह भी जाना नानों के घर, वहाँ से मामी को कहना कि यार घर सवारे पड़वा रहे हैं हम लोग, तो आपने आना है। साथ मैंने दोस्त भी दिया था, क्योंकि नाश्ता नहीं किया था, मैंने कहा सुबह नाश्ता करते हैं, तभी हम जा रहे हैं नानों के घर। तो यार हमने मामी लोगों को कह दिया कि घर आ जाना 1 बजे के बाद, और अभी हम जा रहे हैं सामान लेते हैं और चलते हैं घर बिना देर किए। क्या भूल गए? अचार। तो अचार लेके आना था, चलो बकरी वाली अचार लेने मैं जाऊंगा। मैं भी अभी आ रही, चलो जी आप भी घर आ रही हैं, मुझे लगा था वो नहीं आ रही, लेकिन वो भी आ रही है, और हम अचार भूल आए हैं, बाकी सामान देख रहे हम ले आए सारा। बल्कि भाभी ने भी आना था, वो नहीं आ रही, वो काम पे चला गया। कौन सी भाभी? आसिफ। हाँ। भाभी नहीं आ रही। चलो चले जी, अब अचार रह गया, अचार हम लेके आएंगे बाद में, क्योंकि मेरे टाइम हो गए ड्यूटी का, अब मैं चलता हूँ वहां से, मैं आऊंगा फिर हम लेके आएंगे अचार। और हमारे घर में अगरबत्तियां लगी हुई, कहाँ लगी हुई, बड़ी स्मेल आ रही है अगरबत्तियों की, सांस भी नहीं आ रहा, सही बात है। ए देखो यार पूरा दरबार टाइप हमारा घर बना हुआ, दरबार हमारे दरबारों पे जाओ तो अगरबत्तियों की ये वो, आज वही सीन हमारे घर में हो रहा है। 2 hours later. तो भाई हम ड्यूटी से अपने आगे, और अब अचार लेके आना था, आते वक्त हमने अचार लिया है, और अभी हम चलते हैं ऊपर, मुझे लगता है कुछ लोग आ चुके हैं पढ़ने वाले, देखते हैं जाके क्या सीन है। तो छूते पड़े हैं, इसका मतलब वापस लोग आ गए हैं, अब हम आ चुके हैं, जूते छूते पड़े हुए हैं। अम्मी इंदर मसरूफ है, उसे खाने खोने की तैयारी हो गई, टमाटर प्याज मिर्चे, मैं क्या मैं अचार ले आया हूँ। काफ़ी हद तक अंदर आवाम आ चुकी है, और अम्मी यहाँ धो रही हैं चावल तैयारी होने लगी खाना खाना पकने की, चावल धुलने लगे हैं। ये देखें, ये इसका नाम, आपका नाम क्या बोला? अनाया। और ये हानिया। और ये ना, ये बच्ची ना, ये वाली बच्ची मेरे ब्लॉग देखती है बड़े अच्छे, ये मुझे कहती है मैं आपके व्लॉग देखते हुए, इंदर मुझे बता रही थी, व्लॉग देखते हो ना मेरे आप? नहीं। यूट्यूब पर देखते हो मुझे, व्लॉग देखती हो ना? शौक में जा रही है, हैरान हो गई है कि ये वही बंदा है जो मैं यूट्यूब पर देखती हूँ। ये देखे कितनी प्यारी प्यारी गर्ल है, स्वीट बच्चियाँ। मैं बता रही है मेरी मामी की बेटी है छोटी सी, मैं अभी इसको बताने गया था ना बुलाने के लिए कि आपने घर आने आसन पढ़ने के लिए, तो उस टाइम मेरे व्लॉग चला के बैठी हुई थी, देख रही थी ये वाली व्लॉग चला के बैठी हुई थी, है ना हानिया? आप देखती हो व्लॉग मेरे? ये भी भांजी है मेरी, व्लॉग देखती हो आप मेरे? व्लॉग देखती हो? नहीं। यार इतनी प्यार शहर हो गया, इसके देखे आउटफिट देखें, कमाल। नेल दिखाना, नेल पॉलिश लगाई हुई है, दिखाओ इधर दिखाओ, और वाह जी वाह, नेल पॉलिश भी लगाई हुई है इसने तो, और लालियाँ शालियाँ सुरखी लगा के आई हुई है, बड़ी प्यार शहर हो गया। ये शादी में आई हो? शादी में आई हो हैं? उफो के घर आई है, बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी क्यूट बच्ची है ये। आपका नाम क्या है, नाम बताओ। चलो अच्छा, बबल खा रही हो फिर क्या खा रही हो? आंकर भी दिखाओ, कुछ भी नहीं खा रही। अच्छा तो कैसे खड़ी हुई, सीधी हो जाए। इसने भी सुरखी लगाई हुई है, त्यार शहर हो, पप्पू के घर आई हुई हो आप? अच्छा पप्पू के घर आई हुई है, बढ़िया त्यार शहर होके आई हुई दोनों बच्चियाँ। चावल हमारे दो लगे हैं, अब खाना क्या पकड़ लगा मामा? छोले वाले चावल कितना बैड वर्ड है छोले, छोले पंजाबी में छोले वाले चावल, वाइट वर्ड छोले, चनों वाले चावल छोले वाले। तैयारी शारी हो रही है, अंदर सामान पतीले शतूले मैंने रख लिए, और यार हमारे घर ना गैस नहीं आता,
यानी इस एरिया में ना गैस नहीं लगा हुआ, तो हम सिलेंडर वगैरह रखे हुए देख लो, एक बड़ा सिलेंडर ये, एक छोटा ये, मतलब इसको हम तार यहाँ से ला के ना इसकी पाइप लाइन चूल्हे पे चलाते हैं, और ये छोटा सिलेंडर है, तो मतलब दो सिलेंडर से हमारा काम होता है, गैस नहीं यहाँ पर है। और ये खेलने में लगी हुई आप दोनों हैं, तो बड़ी आप ही भी घर आ चुकी हैं, ये देखें अब्दुल रहीम बेचारे यहाँ किसको मार के किसी ने बिठा दी बैठ चुका है। आप भी आ गया है, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, परी भी आई हुई है, परी, और यहाँ हमारा खाना छोना पकना हो गया है, यार यार गंडे पक रहे हैं, गंडे गंडे नहीं होते, प्याज होते चावल पकने में। अच्छा जी, चलो जैसे पकता रहेगा हम आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ, आपका मुंह पानी आता रहेगा। ऐ की क्यों ऐ पैन छोले चने पक रहे हैं, और इधर पड़े हुए हैं चावल, और चावल देख के मेरे मुंह में आ रहा है पानी, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तुमने थोड़े थोड़े खा नहीं यार, कच्चे चावल बड़े मजे के लगते हैं खाने में, खाया करें। नहीं 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 खानी चाहिए, अच्छी बात नहीं, बुरी बात है, क्योंकि सुना है कच्चे चावल खाने से पतली हो जाती है, हाँ लेकिन कभी कभी खा लेनी चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा, कहाँ जा रही हो? चीज लेने जा रही हो हैं? आप भी जा रही चीज लेने? चलो जाओ फिर, टूट जो चीज लेने, चीज लेने टूट जो। खाना काफी हद तक हमारा अपड़ चुका है पकने की तरफ, बनाई हो रही मामा में भी डल गए हैं थोड़े तो नहीं, क्या अच्छा हो रहा है इसमें, पानी निकालना, निकालने के बाद में डालेंगे यही पानी जी, इसमें सारा चनों का टेस्ट है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चने वाले चावल की रेसिपी। अभी हम लेने लगे हैं थोड़े से चने, चलो बस हल्की सी इसके अंदर लगाते हैं मिर्ची और हल्का सा नमक, टेस्टी टेस्टी हो जाएगा, स्पाइसी स्पाइसी, इसमें डालते हैं थोड़ी सी चिली चिली, देख लो मिर्ची रख दो, मिर्ची मिक्स करते हैं अंग्रेजी से ही, कमाल हो गया, थोड़ा सा नमक कम है, थोड़ा सा ये जी होगी रिश्ते यार, खाते हैं इसको, बड़ी मजे मजे की लग रही है, चावल का पानी चल रहा है साथ साथ, और हम चने खाते हैं। ये जी हमें टेस्ट करके बताना है इन चनों को कि कैसे पके हैं, मिर्च नमक ठीक है, वैसे मैं आगे मिर्च वाले खा रहा हूँ, मुझे पता नहीं लगना, ट्राई करते हैं। अरे अमित सही है, आ गयो, ये क्या लाए हो? गिफ्ट। ये कैसा गिफ्ट है? ओए आपके पास भी दिखाना। गिफ्ट लाए, इसमें क्या है? चलो ये लो, खोल के देखो भाई क्या निकलता है इसमें से, ये मेरे। आराम से खोलो, टेप लगी, क्या निकले दिखाई, ये है कितने का? दस। अब दरीम खोल के दो उसको, अब दरीम खोलो इसका फीडर, और ये क्या है? ये लो, गिर गया, क्या निकल, अच्छा, और ये क्या है? वाओ, इसके एक निकल है गुलाब, गुलाब, और ये चावल डलने लगे हैं इसमें, चावल चावल पकने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर रह गई, अब दम सुम लगने, इतना हम लेके आते हैं पानी, पानी वहाँ से भर लाते हैं, क्या कहते हैं उसे, फिल्टर। फिल्टर नाम ही नहीं आ रहा, फिल्टर से पानी भर लेते हैं, क्या अब माशाल्लाह, तो जी हमारे चावल चावल पक गए हैं, चने वाले चावल, बड़ी प्यारी लुक आ रही है माशाल्लाह,
ठीक है। ऐसे आ रही है खुशबू उसमें से, और कैसे लग रहे हैं आँखों को? खुशबू उनको नहीं, खुशबू हमें आएगी। आँखों को जिसे अच्छी लगेगी तो जरूर वो करेगा। आप कमेंट में बता दीजिएगा कैसे लगे। तो अभी यार दुआ भी अंदर हो चुकी है, अभी खाना सर्व होगा, तो इसी के साथ हम भी खानों को खा लेंगे, और इसी के साथ आज का हम अपना व्लॉग करते हैं खत्म। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, और देखते रहेगा खट्टे मीठे व्लॉग, क्योंकि जिंदगी का मजा तो खट्टे मीठे में है। अल्लाह हाफिज़।